प्रेजेंट टीचर। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज काइंड्स ऑफ फ्रेजेस। फ्रेजेस के प्रकार कितने होते हैं, उसमें हम लोग फ्रेजेस भी सीखेंगे कि फ्रेजेस कहते किसको हैं, ठीक है, और उसका काइंड देखते हैं। चलिए देखते हैं पहले कि फ्रेज किसको कहते हैं, ये समझना जरूरी है। फ्रेज क्या होता है? अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वर्ड्स which does not contains, which does not contain a subject, a verb, and does not make complete sense on its own। क्या मतलब हुआ? पहला पॉइंट तो ये है कि फ्रेज होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहते हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो सेंटेंस भी होता है, तो फ्रेज और सेंटेंस में क्या अंतर होगा? ग्रुप ऑफ वर्ड्स अगर सेंटेंस होगा तो वो कंप्लीट मीनिंग देगा, ठीक है, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स अगर फ्रेज होगा तो वो कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा, वो पार्शियल मीनिंग देगा, आधा अधूरा मीनिंग देगा, ठीक है। पॉइंट नंबर वन। दूसरा, सेंटेंस में हमेशा क्या होता है? एक वर्ब होता है, एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है, इसीलिए वो कंप्लीट सेंस देता है। और फ्रेज जो होता है उसमें वर्ब भी नहीं होगा और सब्जेक्ट भी नहीं होगा, और इसी के कारण वो कंप्लीट सेंस नहीं देता है। गॉट इट? सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है? जो फ्रेज होता है वो सेंटेंस में यूज होता है, सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, अच्छे से और एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग फ्रेज का यूज करते हैं। तो क्या समझे? फ्रेज जो होता है किसी सेंटेंस का एक पार्ट हो सकता है। पॉइंट वन। पॉइंट टू, फ्रेज जो है पार्शियल मीनिंग देता है, आधा अधूरा मीनिंग देगा। पॉइंट टू। पॉइंट थ्री क्या है? फ्रेज जो है उसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का भी नहीं होता है, सब्जेक्ट और वर्ब उसमें होता ही नहीं है। उसमें क्या होता है? सब्जेक्ट और वर्ब छोड़ करके कोई भी चीज होता है, उसको हम लोग फ्रेज कहते हैं, ठीक है। ये तीन पॉइंट है फ्रेज के पहचानने का, ठीक है। जैसे देखिए, ऑन द ट्री, अगर मैं कहूं पेड़ पर, तो क्या समझोगे आप बताओ? कुछ नहीं समझ में आएगा, आधा अधूरा। आप आधा अधूरा समझ रहे हैं कि अच्छा पेड़ पर किसी चीज की बात हो रही होगी, लेकिन समझ में तो नहीं आ रहा है कि पेड़ पर क्या बोला गया, ठीक है। अगर मैं कहूं रूम में, इनटू द रूम, क्या समझोगे? कुछ नहीं समझोगे, ठीक है, आधा अधूरा मीनिंग दे रहा है ये। तो यही आधा अधूरा मीनिंग जो है इसी को हम लोग फ्रेज कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह सेंटेंस का एक पार्ट बनता है। द कैट इज ऑन द ट्री, पार्ट हो गया ना, द कैट इज ऑन द ट्री। अब उसमें ऑन द ट्री ये क्या है? एक फ्रेज है जो किसी एक सेंटेंस में यूज किया गया है, ठीक है, उसको अच्छे से मीनिंगफुल बनाने के लिए। तो क्या समझे? फ्रेज का यूज हम लोग मीनिंगफुल बनाने के लिए सेंटेंस में यूज करते हैं, लेकिन फ्रेज जो है अपने आप में कंप्लीट सेंस नहीं देता है, वो पार्शियल सेंस देता है, आधा अधूरा सेंस देगा, ठीक है। आई बात समझ में? फ्रेज क्या होता है? अब देखिए, फ्रेज जो है वो कितने टाइप के हैं? थ्री टाइप्स। कौन कौन सा? फ्रेज थ्री टाइप्स के हैं, नाउन फ्रेज और एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज। नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, ठीक है, ये तीन टाइप है फ्रेज के। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसको नाउन फ्रेज किसको कहेंगे। अ नाउन फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो सब होंगे क्योंकि सभी फ्रेज है, फ्रेज में ही लिखा गया है ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ठीक है, ये तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गए, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है। दैट डज द वर्क ऑफ अ नाउन, ये नाउन की काम करता है, नाउन की तरह काम करता है, यह नाउन का ही काम करता है। नाउन फ्रेज जो होगा वो नाउन का ही काम करेगा, ठीक है। और नाउन को कैसे पहचानते हैं हम लोग बताइए? नाउन क्या होता है? किसी भी सेंटेंस का या तो सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा, नाउन यही होता है। नाउन या प्रोनाउन सेंटेंस का या तो सब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट होता है। गॉट इट? हम लोग प्रोनाउन को छोड़ देते हैं, प्रोनाउन यहाँ पे कोई यूज नहीं होगा, यहाँ पे हमेशा नाउन की चर्चा करेंगे। तो नाउन जो होगा किसी सेंटेंस का क्या होगा? या तो सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। अब अगर नाउन क्या हुआ, एक वर्ड में है तो वो नाउन होगा। रोहित इज गुड, रोहित इज गुड का मतलब क्या? रोहित इसमें सब्जेक्ट है और वो नाउन है, ठीक है। अब यही कहें अगर कि द बॉय हु इज प्लेइंग आउटसाइड इज गुड, ठीक है। अब यहां पे क्या कहें? द बॉय हु इज प्लेइंग, वो लड़का जो बाहर खेल रहा है आउटसाइड, ठीक है, जो बाहर खेल रहा है। अब ये उसी लड़के के बारे में कहा गया ना,
तो इसमें क्या होगा, एक से ज्यादा वर्ड हो गए ना, एक से ज्यादा वर्ड हो गए, लेकिन ये काम तो नाउन का ही कर रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट का काम कर रहा है। द बॉय हु इज प्लेइंग आउटसाइड इज गुड। अब यह क्या है, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो सब्जेक्ट का काम अगर एक से ज्यादा वर्ड करेगा या ऑब्जेक्ट का काम एक से ज्यादा वर्ड करेगा तो वो हमारा क्या होगा, वो नाउन होगा। क्यों? क्योंकि नाउन ही सब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ सब्जेक्ट से भी ज्यादा मतलब नहीं है, यहाँ ऑब्जेक्ट से ज्यादा मतलब है, ठीक है। तो हम लोग वन लाइन में ये कह सकते हैं कि नाउन फ्रेज होता है ये ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो नाउन की तरह काम करता है। अगर एक वर्ड का होगा तो वो नाउन हो जाएगा, अगर एक वर्ड से ज्यादा वर्ड का होगा, ग्रुप ऑफ वर्ड होगा, तो उसको नाउन फ्रेज कहेंगे, क्योंकि फ्रेज में एक से ज्यादा वर्ड होते हैं, ठीक है। जैसे देखिए लिखा हुआ यहाँ पे आई लाइक माय गुड। अब यहाँ आई क्या है बताइए, सब्जेक्ट, लाइक क्या है वर्ब, और मैंगोज क्या है ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट। अब हम लोग जानते हैं कि ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। अब यहाँ ये मैंगोज प्रोनाउन तो है नहीं, अब तो मैंगोज बचा क्या, नाउन। यहाँ पे ये क्या कर रहा है काम, ये नाउन है, गॉट इट। मैंगोज क्या है, नाउन है। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया गया है, और ऑब्जेक्ट हमेशा एक नाउन या प्रोनाउन होता है, तो ये नाउन है, मैंगोज यहाँ नाउन है, गॉट इट। अब देखिए एक वर्ड का है तो इसको हम लोग नाउन कहेंगे, क्या कहेंगे, एक वर्ड का है तो नाउन। अब एक से ज्यादा वर्ड का हो जाएगा तो वो नाउन की तरह काम करेगा, लेकिन वो नाउन नहीं कहेंगे, उसके लिए हम लोग कहेंगे नाउन फ्रेज, ओके। जैसे देखिए आई लाइक टू ईट मैंगोज, मैं आम खाना पसंद करता हूं। अब यहां पे ये आई क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या है वर्ब, और ये क्या है ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट क्यों है ये हम लोग अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। पहले देखिए ये ऑब्जेक्ट है, एक से ज्यादा वर्ड है इस ऑब्जेक्ट में, एक से ज्यादा वर्ड है इस ऑब्जेक्ट में, तो ये क्या हो गया बताइए, एक से ज्यादा वर्ड है ऑब्जेक्ट में तो ये नाउन कहेंगे या नाउन फ्रेज कहेंगे। एक वर्ड था तो नाउन कहेंगे, एक से ज्यादा वर्ड हो गया तो इसमें हम लोग नाउन फ्रेज कहेंगे। अब आप हमें बताइए, हम लोग ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब में पढ़े होंगे कि ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं। कोई भी सेंटेंस में वर्ब के बाद वाट लगाइए, वर्ब के बाद वाट लगाइए, और वाट या हु इसका आंसर जो भी देगा दैट विल बी द ऑब्जेक्ट, ओके। जैसे ऑब्जेक्ट पहचान के हम लोग वाट लगाते हैं, आई लाइक मैंगोज, आई लाइक वाट, मैं क्या पसंद करता हूं, क्या आंसर मिला, मैंगोज, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ओके। आई लाइक टू ईट मैंगोज, आई लाइक वाट, मैं पसंद करता हूं, लेकिन क्या, आम खाना। अब आम खाना क्या आंसर मिला, टू ईट मैंगोज, ये क्या है आम खाना, ये है वाट का आंसर मिला। वाट का आंसर जो भी देगा वो क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट होगा। वाट का आंसर जो भी मिला, वर्ब के बाद वाट लगाया जो आंसर मिला, ऑब्जेक्ट होगा। अब ये ऑब्जेक्ट है तो ये नाउन ही होगा ना, ये तो प्रोनाउन होगा नहीं, तो ये टोटल यहां से लेकर के यहां तक ये नाउन की तरह काम किया, और नाउन की तरह काम किया तो इसको हम क्या कहेंगे, नाउन फ्रेज, ओके। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो क्या समझे हम लोग, एक लिखा हुआ है देखिए यहाँ पे, इट आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट और हु, यानी ये ऑब्जेक्ट होता है, इन दोनों से ऑब्जेक्ट पहचानते हैं, व्हाट या हु से क्या पहचानते हैं, ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ऑब्जेक्ट अगर होगा तो पक्का नाउन होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या होता है, या तो नाउन होता है नहीं तो प्रोनाउन होता है, ये प्रोनाउन होगा नहीं तो नाउन ही बचा, ठीक है। तो क्या समझे, कोई भी सेंटेंस में व्हाट का आंसर मिल जाए वर्ब के बाद तो वो नाउन होता है, ठीक है। यहाँ प्रोनाउन छोड़ दीजिए, नाउन होता है, ठीक है। और नाउन अगर एक वर्ड का होगा तो उसको नाउन कहेंगे, अगर एक से ज्यादा वर्ड का होगा तो नाउन फ्रेज कहेंगे। जैसे देखिए राहुल इज फॉन्ड ऑफ अर्जुन, राहुल इज फॉन्ड ऑफ व्हाट, क्या आंसर मिला, अर्जुन, एक वर्ड का है तो नाउन हो गया। राहुल इज फॉन्ड ऑफ द बॉय हु प्लेज टेनिस, राहुल इज फॉन्ड ऑफ व्हाट, किसका, हु, किसका, हु का आंसर क्या मिला, राहुल इज फॉन्ड ऑफ हु, तो क्या आंसर मिला, अर्जुन। अब अगर बोले जाए राहुल इज फॉन्ड ऑफ हु, तो यहाँ क्या आंसर मिला बताइए, द बॉय हु प्लेज टेनिस, वो लड़का जो टेनिस खेलता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ एक वर्ड है तो ये क्या हो गया, नाउन हो गया, और यहाँ हु का आंसर क्या दिया, ये हु का आंसर दिया, तो ये ऑब्जेक्ट है, ये दोनों ही ऑब्जेक्ट है तो दोनों ही नाउन होंगे,
ये एक वर्ड का है तो ये नाउन है, ये एक वर्ड से ज्यादा का है तो ये नाउन फ्रेज हो गया। ओके, अब जैसे आई वॉन्ट टू रीड, आई वॉन्ट वॉट, मैं पसंद करता हूँ, क्या क्या आंसर मिला, पढ़ना पसंद करता हूँ, टू रीड, ये आंसर मिला टू रीड। अब ये आपको लग रहा है कि ये तो प्रीपोजिशन है और ये क्या है, वर्ब है, ठीक है, बट यहाँ प्रीपोजिशन वर्ब नहीं है, ये दोनों एक साथ मिलकर के नाउन की काम, नाउन का काम कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये वॉट का आंसर दे रहे हैं, आई वॉन्ट वॉट, आई वॉन्ट टू रीड, वॉट का आंसर मिला, और वॉट का आंसर जब भी देता है तो वो या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, ये प्रोनाउन हो नहीं सकता तो ये नाउन होगा, ये नाउन होगा तो इसका मतलब एक से ज्यादा वर्ड है, तो ये क्या हो गया, नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज हो गया, गॉट इट, क्लियर है। चलिए अब हम लोग देखते हैं एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है, सेम वैसा ही होगा, एन एडजेक्टिव फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, That does the work of an adjective. वो adjective का काम करेगा, वो adjective जैसा काम करेगा, ओके? अगर एक word का होगा तो adjective होगा, एक से ज्यादा word का होगा तो adjective phrase कहेंगे, काम वो adjective का ही करेगा, क्या करता है adjective? किसी noun का विशेषता बताता है, किसी noun का गुण बताता है, ठीक है? चलिए यहाँ देखिए, it tells us something more about noun, वो noun के बारे में अधिक जानकारी देता है, तो उसको हम लोग adjective कहते हैं, पढ़े है ना आप लोग adjective? जैसे देखिए, माय नेबर इज अ वाइज मैन, माय नेबर इज अ वाइज मैन, मैं कैसा मैं, वाइज, ये क्या है, इस नाउन की विशेषता बता रहा है ना, तो ये क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि ये एक वर्ड का है इसलिए एडजेक्टिव कहेंगे, अगर यही एक से ज्यादा वर्ड का होता तो इसको हम लोग एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। अगला देखिए, माय नेबर इज अ मैन ऑफ ग्रेट विजडम, माय नेबर इज अ वाइज मैन, मेरा जो पड़ोसी है वो बुद्धिमान आदमी है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माय नेबर इज अ मैन ऑफ ग्रेट विजडम, मेरा पड़ोसी एक एक ग्रेट विजडम, ठीक है, बुद्धि वाला आदमी है, मेरा पड़ोसी एक बुद्धि वाला आदमी है, अच्छा बुद्धि वाला आदमी है, ठीक है। अब यहाँ पे बताइए, मेरा पड़ोसी एक आदमी है, ठीक है, कैसा आदमी है, अच्छी बुद्धि वाला, ज्यादा तेज, ज्यादा दिमाग वाला, ठीक है। अब यहाँ पे ये मैन भी है, इसके बारे में ये गुण बता रहा है ना, ऑफ ग्रेट विजडम, ये गुण बता रहा है ना, गुण बता रहा है, इस नाउन का गुण बता रहा है, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव तो कह नहीं सकते, एडजेक्टिव के जैसा काम कर रहा है, एडजेक्टिव के जैसा काम कर रहा है, एक से ज्यादा वर्ड का है तो इसको हम लोग एडजेक्टिव नहीं कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे एडजेक्टिव फ्रेज, ओके, गॉट इट, और ये हो गया हमारा एडजेक्टिव, क्योंकि ये एक वर्ड का है, तो क्या समझे, किसी नाउन की विशेषता अगर बताया जाए किसी सेंटेंस में एक वर्ड में तो वो एडजेक्टिव होगा, और एक से ज्यादा वर्ड में बताया जाए तो वो एडजेक्टिव फ्रेज होगा। जैसे देखिए, सी स्पोक अगेंस्ट द करप्ट गवर्नमेंट, वो भ्रष्ट सरकार के विरुद्ध में आवाज उठाई, बोली, ठीक है, कैसा गवर्नमेंट, कैसा गवर्नमेंट, करप्ट गवर्नमेंट, ये क्या है, एक वर्ड, इस गवर्नमेंट नाउन है ना, ये गवर्नमेंट नाउन है, इसके बारे में बता रहा है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है तो एडजेक्टिव होता है, इस हिसाब से करप्ट क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, गॉट इट। अब देखिए, सी स्पोक अगेंस्ट द गवर्नमेंट दैट प्रैक्टिस करप्शन, वो उस सरकार के विरुद्ध आवाज उठाई जो करप्शन करती थी, ठीक है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट के बारे में, ये नाउन गवर्नमेंट के बारे में बोला, क्या बोला गया, दैट प्रैक्टिस करप्शन, वो करप्शन, ठीक है, करप्शन क्या हुआ, इस गवर्नमेंट के बारे में बोला गया कि वो प्रैक्टिस करती है करप्शन, वो गवर्नमेंट कैसा प्रैक्टिस करती है, करप्शन करती है, ठीक है। तो इस नाउन के बारे में इतना सब, इतना जो वर्ड है, दैट प्रैक्टिस करप्शन, ये तीनों वर्ड मिल करके इस नाउन के बारे में बता रहे हैं, गवर्नमेंट के बारे में बता रहे हैं कि वो प्रैक्टिस करती है, उस गवर्नमेंट के विरुद्ध में वो आवाज उठाई, जो प्रैक्टिस गलत प्रैक्टिस करती है, करप्शन प्रैक्टिस करती है, उस गवर्नमेंट के विरुद्ध में आवाज उठाई। तो यहाँ पे इसके बारे में ये मोर इन्फॉर्मेशन दे रहा है, मोर इन्फॉर्मेशन दे रहा है नाउन के बारे में, तो ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है ना, ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज, ओके। तो क्या समझे हम लोग, नाउन सिंगल वर्ड को कहते हैं, एक से ज्यादा वर्ड अगर मिलकर के नाउन की तरह काम करेगा तो उसको नाउन फ्रेज कहेंगे,
सिंगल वर्ड को हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं, एक से ज्यादा वर्ड मिलकर के किसी एडजेक्टिव की तरह काम करेगा तो उसको हम लोग कहेंगे एडजेक्टिव फ्रेज। अब बच गया हम लोगों का तीसरा एडवर्ब फ्रेज, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू।